सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, नोएडा जागा भी नहीं था कि एक दर्दनाक हादसे ने सबकी नींद उड़ा दी। ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर की उसी की कार में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो नाइट शिफ्ट कर अपने घर जा रहा था। सुबह 5:30 बजे पवन जो है अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद अपनी इसी फोर्ड आइकॉन गाड़ी से अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से महज आधा किलोमीटर दूर पहुंचा था कि अचानक पवन की इस फोर्ड आइकॉन गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पवन को गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और इसी गाड़ी में जलकर पवन की दर्दनाक मौत हो गई। फौरन ही लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक इस गाड़ी में आग पर काबू जाता पवन की जलकर गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई है। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि टीपीएस सोसाइटी के पास किसी गाड़ी में आग लगी है। गाड़ी के नंबर से मालिक की शिनाख्त हुई। मृतक की पहचान पवन कुमार के तौर पर हुई, जो मूलतः ऊना हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। पवन नोएडा के ब्रिज ग्लोबल कंपनी में काम करता था। इसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी जिसे खत्म करके ये सुबह 5:30 बजे वापस घर लौट रहा था। अचानक सुबह अपनी सोसाइटी से लगभग आधा किलोमीटर पहले इसकी फोर्ड आइकन गाड़ी में आग लग गई। हादसे के वक्त पवन खुद भी गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में आग लगने के बाद वो गाड़ी से नहीं निकल पाया और जलकर उसकी मौत हो गई। हमें जानकारी यही मिली है कि गाड़ी में आग लगी थी। सुबह इनका फोन आया था 7:00 बजे के आसपास, गाड़ी में आग लगती है, उसमें बीच में फोटी जलती है। पवन नोएडा में पत्नी और एक बेटे के साथ रह रहे थे और करीब 1 महीने पहले ही नई कंपनी ज्वाइन की थी। पवन का बेटा अनमोल राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग खिलाड़ी है और विदेशों में भी खेल चुका है। जिस तरह से हादसा हुआ, कार में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे की असली वजह क्या है। हादसे में कार चंद मिनटों में ही पूरी तरह जलकर खाक हो गई कि पवन को कार से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जिस तरह से यह हादसा हुआ, तमाम सवाल गाड़ियों की सुरक्षा पर खड़े हो गए हैं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस गाड़ी में आग लगने की मुख्य वजह क्या है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस हादसे के बाद पवन के परिवार में मातम पसर गया है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।